मुझे लगता है कि एक रिकॉर्ड तोड़ वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भाई मुकेश शर्मा जी के पक्ष में जाने वाली है। और देखिए निश्चित रूप से छोटे मोटे विरोध आते हैं जब आदमी अलग अलग साथी टिकट मांगते हैं। मुझे लगता है नवीन भाई को समझ जाना चाहिए और अपना पर्चा वापस ले लेना चाहिए। देखिए मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा सारे गाँव के सभी बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, माता शक्ति का, जिन्होंने लोकसभा के अंदर भी हमारे प्रत्याशी आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह जी को बहुत भारी मतों से जिता करके भेजा। उसी प्रकार से आज आपने देखा भी, ये कार्यक्रम में आप लोग आए भी थे, पहले से ही आए हुए हैं, प्रत्येक घर से, प्रत्येक परिवार से, हर 36 बिरादरी से यहाँ पर लोग उपस्थित थे। मातृशक्ति थी, नौजवान साथी थे, बुजुर्ग थे। और मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से कार्यक्रम हुआ और जिस प्रकार से आज मैं सुबह से गाँव में घूमा भी हूँ, मुझे लगता है कि एक रिकॉर्ड तोड़ वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भाई मुकेश शर्मा जी के पक्ष में जाने वाली है और एक बहुत अच्छी जीत गांव से भी होने वाली है और पूरे इलाके से ही, जिस प्रकार से उनको पसंद कर रहे हैं, प्रत्याशी के रूप में पसंद कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो किए हुए विकास कार्यों को भी पसंद कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने वाले हैं। जो विरोध लगातार जिस तरह से देखने को मिला, गुड़गांव में भी उस तरह का विरोध था, क्या लग रहा है ये विरोध खत्म करने में काफी हद तक कामयाब हो पाए या समय लगते हुए चीजें ठीक होती दिखेगी? देखिए निश्चित रूप से छोटे मोटे विरोध आते हैं जब आदमी अलग अलग साथी टिकट मांगते हैं, तो कहीं ना कहीं मन में एक बड़ा दर्द तो रहता ही है टिकट ना मिलने का। लेकिन हमने उन साथियों से बात की है, मुझे लगता है कि अब बहुत ज्यादा उसका कोई विरोध नहीं है। जो साथी अब मैदान में, खासतौर से मैं नवीन गोयल की बात कर रहा हूँ, कल आखिरी दिन है नॉमिनेशन वापस लेने का, कुछ उम्मीद है या अभी बातचीत जारी है? मुझे लगता है नवीन भाई को समझ जाना चाहिए और अपना पर्चा वापस ले लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं, मुझे लगता है वो कार्यकर्ता रहे हैं, हमारे बहुत अच्छे साथी हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी का साथ देना चाहिए।